हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रियान मर्डर केस प्रद्युम की हत्या में शामिल था एक और शख्स जो खिड़की से कूदकर भागा था, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 8 सितंबर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम की हत्या में बस कंडक्टर के साथ एक और शख्स होने की बात की उनकी माँ की बात कुछ SIT की टीम ने भी नहीं नकारा है। बच्चे की माँ की भी लगातार ये कहना है कि पुलिस ने जिस कंडक्टर को हत्यारा कहकर पकड़ा है वो उसके बेटे का असली कातिल नहीं है, बल्कि इस हत्या में कोई और भी शामिल है। आइए आप लोगों को बताते हैं क्या कहती है SIT, क्या कहती है SIT की रिपोर्ट। प्रद्युम की हत्या की गुत्थी को हरियाणा पुलिस भले ही सुलझा लेने की बात कह रही हो, लेकिन SIT जांच के साथ इसमें कई पेच फंसते दिख रहे हैं। SIT ने मामले की जांच के बाद जो रिपोर्ट दी है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा गया है कि हत्या में 2 लोग शामिल थे। रिपोर्ट कहती है कि शौचालय की खिड़की टूटी हुई है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि संभवतः वारदात को अंजाम देने के बाद कोई वहां से फरार हुआ है। और आइए आपको बताते हैं कि रियान की मां ने क्या बोला है। बच्चे की मौत के बाद उसके परिजनों ने लगातार स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रद्युम की माँ ज्योति ठाकुर लगातार ये कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने वाला अशोक नहीं को और कोई है। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन असली कातिल को छुपा रहा है। प्रद्युम के पिता और दूसरे बच्चों के अभिभावकों ने भी कई ऐसे दावे किए हैं जो पूरे मामले में स्कूल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं।